गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी भोजपुरी में शुभकामनाएं। कहा, सभी के ऊपर बनल रहे छठी मैया की कृपा, हो सके तो घरों में ही मनाएं छठ का पर्व। कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ, गुपकार समझौते में कांग्रेस की संलिप्तता पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की साजिश है गुपकार, देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने के लिए माफी मांगे कांग्रेस नेतृत्व। अपहरण की गई 3 वर्षीय मासूम बच्ची को तिवारीपुर पुलिस टीम ने किया बरामद, अपहरणकर्ता आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। तस्करी के लिए ट्रक से ले जाए जा रहे 21 गौवंशियों को गगहा पुलिस ने किया बरामद, एसपी साउथ ने कहा, ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की जा रही विधिक कार्रवाई, पशु तस्करों की तलाश है जारी, जल्द होगी गिरफ्तारी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 की मंडली समीक्षा बैठक, 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक सभी नगर निकायों में कोविड-19 का डोर टू डोर सर्वे कराने के दिए निर्देश। कहा, शिथिलता बर्दाश्त नहीं। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे सपा के पूर्व राज्य मंत्री ने मंडलायुक्त पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा, पहले तो मंडलायुक्त ने ज्ञापन लेने से किया इनकार, लेकिन बाद में लिया ज्ञापन लेकिन उस पर नहीं दिया ध्यान, जबकि तस्वीरों में साफ आ रहा है नजर, मंडलायुक्त द्वारा खड़े होकर लिया गया ज्ञापन। जिले में जल्द स्थापित होगा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, मंडलायुक्त ने किया भूमि को चिन्हित। कहा, विज्ञान के छात्रों के साथ पर्यटक भी होंगे आकर्षित। सर्दी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने जिले के सभी रैन बसेरों को किया सक्रिय। कहा, रैन बसेरों में उपलब्ध है सभी बुनियादी सुविधाएं, नहीं होने दी जाएगी किसी भी व्यक्ति की ठंड से मौत। मंडलायुक्त व रिटर्निंग अधिकारी जयंत नालिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों व अभिकर्ताओं की बैठक, आचार संहिता का पढ़ाया पाठ। कहा, 1 दिसंबर को 17 जनपदों के 40,164 मतदाता करेंगे अपने पदाधिकार का प्रयोग। छठ पर्व के अवसर पर महानगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए किया गया रूट डायवर्जन, शुक्रवार को दिन में 3 बजे से शाम 6 बजे तक और शनिवार को प्रातः 3 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर विहार कॉलोनी में विद्युत चेकिंग के दौरान एक उपभोक्ता ने सूरजकुंड के अवर अभियंता सुनील कुमार यादव के साथ की मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, सीओ कोतवाली ने दी जानकारी। छठ पर्व के दृष्टिगत महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने चलाए चेकिंग अभियान, महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर दिलाया सुरक्षा का एहसास। देश की पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष ने कहा, संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया इंदिरा जी की जयंती, उनके आदर्शों पर चलने का लिया गया संकल्प। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 44 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,676। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 381 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, सैकड़ों वाहनों के काटे गए चालान, शमन शुल्क की गई कार्रवाई। और महिला छठ व्रतियों की सुविधा और किसी खतरे की आशंका को कम करने के लिए राप्ती नदी के अंदर किया गया बैरिकेटिंग, एसपी नॉर्थ ने घाट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।